किसी कैंसर की बेड़ी तो बस झूठ बोल रही तो कितनी लंबी बीमारी आपकी गाड़ी है। मेरी कोई सुनवाई नहीं, दूर भटक लिया। ये पुलिस का काम है, ये कलेक्टर का काम ही नहीं। जज कलेक्टर के बाद जज सुनवाई में SC IG सबके बाद चली गई कोर्ट, तो मेरी चालान पेश नहीं हो रहा। 2 साल हो गई, कब तक भटकूंगी मैं मेरे बच्चे के लिए? अब क्या है मेरा, मैं मर जाऊंगी भटक भटक के, मेरी सुनवाई नहीं होगी तभी क्या करूंगी बताओ। चालान पेश नहीं हो रहा है, मेरी बड़ी बीमारी पैसे कैंसर लगवा के आई। सब देखो मेरे साथ के सारे बाल हो गए, मैं खड़े हो नहीं मरने, मेरा बेटा मर गया। 2 साल हो गए, सब दूर भटकनी में SC IG सब दूर थाने थाने, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मेरा बेटा चला गया, उसकी कोई तो सुनवाई कर। 2 साल पहले एक निजी हॉस्पिटल में एक बच्चे की मौत हुई थी, 18 वर्षीय बच्चे की, जो साइनस के ऑपरेशन के लिए वहां पर गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उसकी मौत हुई थी। उसके बाद में 2 डॉक्टर्स पर FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन 2 साल गुजर गए, अब तक पुलिस ने चालान तक पेश नहीं किया है। और लगातार उनका भाई और माता को मैं बता दूँ, माँ कैंसर से पीड़ित हैं और अभी भी कीमोथेरेपी ले रही हैं। उसके बाद लगातार पुलिस और कलेक्टर के चक्कर खाते रहे, लेकिन अब तक इनके साथ में कोई न्याय नहीं हुआ है। आज SP ऑफिस में आए, फिर से इन्होंने यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई है। हम पूछते हैं क्या पूरा मामला सर बताइए। सर पूरा मामला इसमें ऐसा है, भाई को छोटी मोटी सर्दी थी, सर्दी दिखाने अमलताज हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि इसका साइनस का ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के लिए उसे भर्ती कराया गया और ऐसा बताया गया कि डॉक्टर जो ऑपरेशन करेंगे बड़े डॉक्टर अजय करकरे, इसमें अजय करकरे का नाम लेके भर्ती करा गया और ऑपरेशन कोई और करता है और मेडिकल स्टूडेंट द्वारा उसमें इलाज करते हैं। इसमें ये चीज़ है, उसमें भाई को गलत इंजेक्शन लगाया, तत्काल उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। आपने क्या किया? इसमें FIR दर्ज करी बड़ी मुश्किल से, तो FIR दर्ज हुई, हमने बहुत चक्कर काटे पुलिस वालों के, जब FIR दर्ज हुई उसके बाद 2 साल होने को आए, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है पुलिस द्वारा, हम भटक भटक के थक चुके हैं। माताजी भी आपकी काफ़ी गई हैं? माताजी और हम बहुत भटक रहे हैं, शुरुआत से भटक रहे हैं। इतनी बड़ी बीमारी की पेशेंट हूँ फिर भी भटक रही हूँ बच्चे के लिए, कब तक भटकेंगे? अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, 2 साल हो जाएगी 15 मई को, उसको कुछ न्याय नहीं मिल रहा। जन सुनवाई में कलेक्टर SP सब दूर चले गए, गरीब इंसान की कोई सुनवाई नहीं, पैसों वालों की सुनवाई। हम हाईकोर्ट गए आज से 6 महीने पहले, हाईकोर्ट में हमने केस लगाया, पिटीशन दायर करी, उसमें इन्होंने हाईकोर्ट से इनसे जवाब मांगा है, तो आज तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हाईकोर्ट में। क्या आपने हाईकोर्ट में लगाया? हाईकोर्ट में चालान पेश करने के उससे लगाया कि चालान पेश करवाया जाए हमारा, तो आज तक इन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया हाईकोर्ट में। तो मतलब हाईकोर्ट से भी अभी तक हाईकोर्ट से भी हमारे को कोई जवाब नहीं आया। फरियादी मेरे पास आई है, उन्होंने बताया कि उनके बेटे को साइनस की प्रॉब्लम होने से अमलतास हॉस्पिटल में भर्ती करा था, इलाज के दौरान कोई वहां पर इंजेक्शन लगाया गया था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है। मैंने थाना प्रभारी से जानकारी ली है, थाना प्रभारी ने बताया कि इसमें मुकदमा कायम हुआ है और मामले में विवेचना जारी है और कुछ जाँच का इशू है, तो मैंने डायरी बुलाई है और देख रहा हूँ मैं कि क्यों विलंब हुआ है। और हाई कोर्ट में भी कोई मामला लगा है इसी को लेके, तो उसमें हाई कोर्ट ने भी कोई रिपोर्ट तलब की है, तो मैंने खुद ही डायरी मंगाई है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो मैं कराऊंगा और स्वयं उस मामले को देखूंगा। सर चालान पेश करने की कोई समय सीमा होती है क्या सर? नहीं, जाँच पूरी होने पर, अपराध सिद्ध पाए जाने पर चालान पेश किया जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है। अपराध सिद्ध होना जरूरी है, चालान तभी लगता है जब अपराध में एविडेंस मिले। जी, थैंक यू सर।